बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है प्ले द ऑयस्टर एंड द पर्ल। इसके क्वेश्चन आंसर्स, और इसको हम वीडियो को जो है वो दो पार्ट्स में इंशाल्लाह बनाएंगे। और इसमें जो पहला पार्ट होगा, इसमें हम चूँकि 40 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, 40 क्वेश्चंस गिवन है, और चांसेस ज़्यादातर यही होते हैं कि इन्हीं में से ही आए, लेकिन बुक के अंदर से कैसे भी आ सकता है। पूरा प्ले अगर आपने वीडियो के अंदर नहीं जो है वो सुनी है पहले वाली, तो आप उसको देख लें, ताकि आपको हर एक एक पॉइंट उसके अंदर जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन खैर आ जाए तो उसको बताया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस, चूँकि 40 क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत कम चांस होते हैं कि वो दोबारा प्ले के अंदर जाकर उसमें से कुछ पूछने की कोशिश करेगा। वो सारा का सारा क्वेश्चन आएंगे आपको ऑब्वियसली इधर से ही। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। वन बाय वन इसको क्वेश्चन को पढ़ता चला जाऊँगा और आप देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज प्ले टेक प्लेस, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, यानी ये जो प्ले है ये कहाँ पर हुआ। तो इट टेक्स प्लेस इन हैरीज शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया विद पॉपुलेशन 909। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुतों को शायद पता होगी पहले, कि जिस आपके टेंस में क्वेश्चन होता है आंसर आपका उसी टेंस में आना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास ये प्रेजेंट में पूछा गया है तो आपको आंसर प्रेजेंट में देना है, अगर ये पास्ट में पूछा गया है तो आपको पास्ट में देना है, फ्यूचर में पूछा गया तो आपको फ्यूचर में देना है। तो जिस जैसा क्वेश्चन का टेंस होता है, एक्चुअल में जो आप कह लें कि आंसर होता है उसका टेंस भी वही होता है। तो ये प्रेजेंट में था तो आंसर प्रेजेंट में आया, वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब के साथ एस की एस का इजाफा होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन हैरीज शॉप और सिमिलर, इसको हमने कंप्लीट किया। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज हैरी सिटिंग इन बार्बर्स चेयर, वो जो बार्बर है उसकी यानी नाई की, वो खुद नाई है, तो वो नाई की कुर्सी पर क्या कर रहा था। तो कहता है एज द बार्बर ऑल्सो नीड्स अ हेयर कट, therefore the Harry is sitting in barber's chair, a boy whose name is Clay is giving him a haircut, के जो नाई है उसको भी हेयर कट की जरूरत, उसे भी बाल कटवाने होते हैं, उसके बाल भी लंबे होते हैं, उसको भी कटवाने हैं, तो इसीलिए वो अपनी उस अपनी इनफैक्ट चेयर पर बैठा हुआ है और एक लड़का जिसका नाम क्ले है उसको हेयर कट दे रहा है, मीन उसके बाल काट रहा है। अकॉर्डिंग टू हैरी, हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, यानी एक जो हैरी के मुताबिक एक बूढ़ा जो दुखी इंसानियत है यानी इंसानियत दिल है, उसके लिए कैसे वो खुशी का सबब कैसे बन सकता है, कैसे उसके लिए राहत का सबब बन सकता है। तो ही सेज दैट वन कैन ब्रिंग द मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी, पेंटिंग अ पिक्चर, राइटिंग अ बुक और इन्वेंटिंग अ फिलोसफी, यानी वो चार काम में से कोई एक काम करके कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि वो सिम्फनी यानी कोई धुन बना ले, या कोई तस्वीर पिक्चर स्केच करे, या एक किताब लिखे, या कोई फिलॉसफी फलसफा ही ईजाद कर ले। वट इज़ हैरीज फिलॉसफी, ही बिलीव्स इन फिलॉसफी ऑफ टेक इट इजी, यानी इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, आसानी के साथ यानी मुतमईन रहें, और वो मुतमईन इंसान तभी रह सकता है कि जब वो सिर्फ अपना फोकस अपनी ज़रूरत को देख कर करेगा। अगर वो अपनी लग्जरीज के लिए भागेगा तो फिर तो सुकून नहीं है। लग्जरीज की तरफ भागना कोई बुरी शायद बात नहीं होगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए जीना और अपनी ज़रूरत जो जो चीज़ आपके पास है उसकी तरफ आप कोई तवज्जो नहीं होती, और आप उस ज़रूरत को छोड़कर कुछ और सोच रहे हो, कुछ और करना चाहते हो, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। तो ऑब्वियसली फिर वो सुकून दिल से ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ और ही सिचुएशन बन जाती है। तो कहता है कि ही बिलीव्स इन इट फॉर लिविंग अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, यानी अगर पुरसकून ज़िंदगी गुजारना है तो उसके लिए टेक इट ईजी, ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या होता है, यानी जो आपके फलसफा होता है, यानी कि जो आपके एक्सपीरियंसिस से आपने कोई बात सीखी होती है और आप उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, थ्रू आउट आपको फिर उससे सुकून रहता है। क्वेश्चन 5 है, हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप एंड हाउ लॉन्ग हैज़ हैरी बीन इन ओके बाय द सी, उसने कितना उसको शॉप के लिए पे किया था, वो कितने अरसे से वहाँ पर है। तो हैरी गॉट द बार्बर शॉप इन द $75 अलॉन्ग विद अ फ्री हेयर कट, उसने $75 की खरीदी थी और उसका उसने फ्री में हेयर कट भी किया था। एंड ही हैज़ बीन इन ओके बाय द सी फॉर द लास्ट 24 years, पिछले 24 साल से वो यहाँ पर है। हाउ मैनी बार्बर्स आर देयर इन द ओके बाय द सी, कितने हैं, हैरी इज़ द ओनली बार्बर इन द ओके बाय द सी। हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर द हेयर कट, ही चार्जेस अ डॉलर फॉर द हेयर कट, बट एज द पीपल इन द टाउन आर पुअर ही टेक्स अ हाफ और अ क्वार्टर, ही समटाइम्स गिव्स अ फ्री हेयर कट आल्सो, कि समटाइम वो फ्री हेयर कट भी देता है उसको। अच्छा जी, उसके बाद अगले जो सवाल हैं ये हैं, हु इज क्ले, क्ले कौन है,
Clay is going to beach for booking some kind of a stuff from the sea. Clay यानी एक लड़का है, यानी आप इसको किसी अंदाज़े भी आप उसको बात कर सकते हैं कि he was the son of the clerk Clara B and he had a good relation with the barber whose name was Harry Windowson and he also gave a haircut to the Harry. इस तरीके से भी आप उसको बात कर सकते हो, या जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से आप उसको कह सकते हो कि Harry जो है वो नहीं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि वेयर हैरी, वेयर क्ले इज गोइंग. अगर हैरी इसके ऊपर आता है कि क्ले कौन था, तो फिर आप ये जो मैंने बताया ये आप उसको कह सकते हो. ओके, वेयर इज क्ले गोइंग, क्ले कहाँ जा रहा है, तो उसके बारे में आप देख लीजिए कि क्ले इज अ गोइंग टू बीच फॉर लुकिंग सम काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम द सी. यानी वो कुछ जब वो उसके हेयर कट कर लेता है तो फिर उसे कहता है कि ठीक है मुझे अलविदा और फिर मिलते हैं और मैं समंदर साहिल समंदर पर जा रहा हूँ और मैं कुछ कीमती चीज़ की तलाश में वहाँ पर जा रहा हूँ. तो फिर वो वहाँ से चला जाता है जब उनकी बातें वगैरह हो लेती हैं तो. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द क्ले नीड मनी. क्ले को पैसों की जरूरत क्यों है. ही नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक. ही आल्सो वांट्स टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज मदर. गिफ्ट भी खरीदना चाहता है और अपने बाप को घर भी वापस लाना चाहता है क्योंकि उसका बाप जो है वो रूठ के चला गया था. असल में रूठ के क्या, यानी उसको रुठाया गया था तो वो चला गया था. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10. व्हाट हैज हैपेंड टू द क्लेज फादर. उसको क्या हुआ. क्लेज फादर हैड स्वेयर क्लैशेस विद हिज वाइफ. यानी उसके बहुत ज़्यादा क्लैशेस थे ड्यू टू हिज लो इनकम, क्योंकि उसकी आमदनी कम थी. फाइनली ही लेफ्ट होम एंड ही सेटल्ड एट सेलिनास. तो सेलिनास में जाके वो सेटल हो गया था पैसा कमाने के लिए. What does the Clay want to put in local newspaper? Actually उसने put कर दिया था, वो actually में चाहता नहीं था. In fact उसने ad दे दिया था. तो ये होगा जी आपका यहाँ पे, और इसका एज बड़ा कर लें. He wants to put an ad in the newspaper. In his ad he requests his father to come back home. Who is Miss McCutcheon and how does she feel about her job? मिस मकचियन कौन थी और अपनी जो जॉब थी उसके बारे में कैसा महसूस करती थी. शी इज़ अ यंग लेडी. शी हैज़ कम टू टीच इन ओके बाय द सी. शी इज़ अपसेट एट द केयरलेस बिहेवियर ऑफ हर स्टूडेंट्स. शी इज़ कन्फ्यूज्ड इफ शी शुड स्टे हेयर और रिटर्न टू द सैन फ्रांसिस्को. यानी वो वहाँ रहे या वहाँ से चली जाए इसके बारे में वो सोच रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नालायक किस्म के हैं, और अब वो तंग आ गई है और वो चाहती है कि उसको वहाँ से चले जाकर कहीं और जाना चाहिए. ओके जी, व्हाट इज मिस मुखर्जी लुकिंग फॉर एंड हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन. कैसी नज़र आती थी, कैसी यानी उसकी अपीयरेंस कैसी थी, और बच्चों के बारे में क्या महसूस करती थी, टाउन के बच्चे जो थे उसके बारे में. तो मिस मुखर्जी इज लुकिंग फॉर द चांस. व्हाट डज मिस मुखर्जी लुकिंग फॉर, वो क्या देख रही थी एक्चुअली में, वो क्या देखना चाह रही थी. तो मिस मुखर्जी इज लुकिंग फॉर द चांस टू टीच द चिल्ड्रंस एट द ओके बाय द सी. यानी वो इस चीज़ की तलाश में थी कि उसको बच्चे मिलें कि वो पढ़ाए उनको, क्योंकि असल में एक जो टीचर आया है वो पढ़ाने के लिए, तो वो क्या क्या कोशिश होगी, उसके बच्चे आए तो मैं पढ़ाऊँ, तो जब बच्चे ही ना आए तो कहाँ से वो पढ़ाएगी. तो असल में शी वॉज अ सर्चिंग, शी वॉज अ लुकिंग फॉर द चिल्ड्रंस टू इवन द स्टूडेंट्स टू कम सो दैट शी शुड टीच दैम, को पढ़ा पाए. तो वो एब्सेंट ना यहाँ पे. शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद द टाउन चिल्ड्रन. टाउन के जो बच्चे हैं, यानी उसके स्पीकर जो बच्चे हैं, उसके डिसअपॉइंट थी. क्यों डिसअपॉइंट थी, बिकॉज दे आर इल मैनर्ड एंड अनरूली एंड डिसओबीडियंट. अनरूली का मतलब यानी बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, और डिसओबीडियंट है, बात नहीं मानते, और उनके जो मैनर्स हैं कुछ अच्छे नहीं. यानी उनका क्या काम है, आवारा फिरना, समंदर के गिर्द घूमना, चक्कर लगाना, जैसे कि बच्चों का होता है. तो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड द सी. वह खेल कूद और समंदर हो और हम हो, तो जब हम हो तो फिर क्या गम हो, यही उनका फलसफा है. ये उनका फलसफा है बच्चों का कि जब हम हैं समंदर है तो फिर क्या गम है. लो जी, अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आते हैं. और सवाल है व्हाट इज मैकेचिन लुकिंग फॉर, ये हो गया. उसके बाद नंबर 14 है व्हाट इज द हैरी एडवाइस मिस मैकेचिन टू डू. उसे क्या नसीहत की. तो शी हैरी एडवाइजेज हर टू गो टू द सैन फ्रांसिस्को. ही सेज दैट शी नीड्स बिग एक्साइटमेंट इन अ बिग सिटी एंड ही आल्सो एडवाइजेज हर टू गेट मैरी एंड प्रोड्यूस हर ऑन चिल्ड्रन टू टीच. वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारे डिपेंड करता है कि तुम यहाँ तुम बनना क्या चाहती हो. वो अपना असल में बताता है कि मुझे तो यहाँ 24 साल हो गया तो मैं तो यहाँ मुतमईन हूँ, लेकिन मेरा फलसफा ये है कि टेक इट ईजी, बस ठीक है, जिंदगी के सुकून से गुजर रही तो गुजारो,
लेकिन अब तुम तो हसीन हो, जमील हो, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता तो फिर ऐसे तुम अपने आप को ज़ाया कर दो, तुम अपने वतन चली जाओ और वहाँ पे जाके तुम बच्चों को पढ़ाओ या अपने ख्वाब पूरे करो और शादी कर लो और अपने बच्चे तुम्हारे होंगे तो उन बच्चों को पढ़ाना ताकि तुम्हारा ख्वाब पूरा रहेगा। तो उस पर फिर उसने उसको कहा था कि तुम, मुझे लगता है कि मैं शायद किसी अकलमंद बंदे से बात करूँ, तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले आगे से। यानी वो उससे हो जाती है थोड़ी इसको ये बात सुनकर। फिर उसे कहती है कि कभी तुम मुझे कहते हो यहाँ रह लो और कभी कहते हो चले जाओ। ये वाक्य शायद आपने अगर पूरा वो स्केच जो है वो पूरा प्ले सुना हुआ है तो आपके माइंड में होगा। ओके द नेक्स्ट वन, देन 15, व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डज द मिस मकचियन वॉन्ट? वो किस तरह का हेयर कट चाहती थी? शी वॉन्ट्स अ पूडल हेयर कट। पूडल हेयर कट होता है जैसे कि आप यूँ कह लो जैसे शेर होता है ना, तो शेर की जैसे उसकी होती है ना जो मेन होती है, यानी उसके जो बाल होते हैं गर्दन के ऊपर, बिल्कुल वो जो हेयर कट है असल में शेर के जो यानी बाल हैं उसकी गर्दन के इर्द गिर्द कितने बाल होते हैं वो हेयर कट असल में कहलाता है पूडल हेयर कट। और कुछ कुत्तों को भी ये पूडल हेयर कट दिया जाता है, आपने देखे होंगे वो घरों में पपी वगैरह रखे होते हैं लोगों ने, उसका पूडल हेयर कट उनका कराया होता है। तो असल में वो चाहती थी कि ऐसे ही मेरे कुछ ज़्यादा करके ऐसे बाल ऐसे छोटे से हो जाएं और मैं कुछ अखड़ किस्म की खातून लगूंगी और शायद बच्चे मेरे से डरें और किसी डर के बिना पर ही वो मेरे से पढ़ना शुरू कर दें। तो ऐसा वो असल में अपना कुछ हुलिया बनाना चाहती थी। तो शी एक्चुअली वॉन्ट शी वॉन्ट्स अ पूडल हेयर कट, राइट? उसके बाद है जी, कैन हैरी गिव अ पूडल हेयर कट? क्या वो दे सकता है? नो, ही डज नॉट नो हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट। सेकेंडली, ही डज नॉट गिव हेयर कट टू द वोमेन। एक तो वो देना नहीं चाहता, उसको आता ही नहीं है। दूसरा वो ये है कि वो खातून जो लड़कियां हैं यानी औरतें हैं उनको तो हेयर कट ऐसा देता ही नहीं, क्योंकि जो औरतें आती हैं उसके पास एक्चुअल में वो खातून होती हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ने आती है हेयर कट के लिए, यानी खवातीन के बाल नहीं काटता। 17, व्हाट डज द मिस मकचियन थिंक दैट पूडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपेयरेंस? यानी मिस मकचियन जो है वो क्या सोचती है कि पूडल हेयर कट उसकी अपेयरेंस कैसी कर देगा? शी थिंक्स दैट बाय हैविंग अ पूडल हेयर कट शी वुड लुक वेल, प्लेन सिंपल। शी वॉन्ट्स टू एडजस्ट हर सेल्फ टू द सराउंडिंग्स। वो अपने आप को सराउंडिंग्स में एडजस्ट करना चाहती है एंड दिस वे। ओके जी, उसके बाद है नंबर 18, वेयर हैज़ क्लार्क लारा बी बीन एंड हाउ डज ही गेट टू द ओके बाय द सी? ही हैज़ बीन वर्किंग इन द सेरेनास फॉर द लास्ट वन मंथ, ही गेट्स टू द ओके बाय द सी बाय अ ट्रक। यानी वो सेरेनास से लग गया था, वहाँ महीना हो गया था उसको काम करते हुए, और जब वो आता है तो ट्रक के जरिए से वहाँ पे आता है उसके पास, हैरी के पास। वट डज द क्लार्क गिव हैरी फॉर वट पर्पज़? उसको क्या देता है, किस मकसद के लिए देता है? ही गिव्स हैरी अ $310 नोट, मीन्स $30, एंड ही आस्क हिम टू गिव द मनी टू द क्लेरी एंड आस्क हिम टू टेक इट होम टू हिज मदर। यानी उसको $30 देता है और उसे कहता है कि क्ले को दे दे और क्ले को कहे कि वो अपनी माँ को दे दे ताकि वो घर का सारा जो सिस्टम है वो चलाए। एंड द नेक्स्ट वन इज 20, एंड हाउ फार इज इट टू हॉलीवुड फ्रॉम द ओके बाय द ओके बाय द सी से हॉलीवुड कितना था? तो ये हैरी ने उसे असल में राइटर ने उसे पूछा था कितना है, तो हैरी ने उसको कहा था कि हॉलीवुड इज अबाउट 200 माइल्स अवे फ्रॉम द ओके बाय द सी, ये तकरीबन वो से इतना है। लो जी, उसके बाद ख़त्म, और ये थे 20 क्वेश्चन, और अगले जो 20 क्वेश्चन है हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ये थी आज की वीडियो, और अगर लगी आपको अच्छी तो इसको कर लें आप लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।